राम राम जी। आज मैं सभी उन बेटा बेटियों के लिए एक छोटी सी 2 मिनट के लिए समय चाहती हूँ। और जो आज मैंने वीडियो डाल रखी है वो अपने लिए नहीं डाल रखी, क्योंकि मैं तो फोन के पास में बहुत ही कम जाती हूँ। सभी सोचते होंगे कि भी वीडियो बनाती है तो इसे फोन भी खूब चलाना आता होगा, लेकिन ये बात नहीं है। मुझे इतना फोन चलाना नहीं आता है क्योंकि मैं इससे दूरियाँ बनाती हूँ, बिल्कुल बस वीडियो ही डालती हूँ। तो वीडियो की तो मैंने इसलिए डाली थी थोड़ा, हाँ, वो करने के लिए। तो देखो, वीडियो में इतना फोनों में इतना टाइम मत वेस्ट किया करो। आज फोन के बिना, आज देखना परिवार में कोई किसी से बातें नहीं करता है, क्योंकि सब अपने आप में व्यस्त रहते हैं। बेटा अलग फोन रखता है, बेटियां अलग रखती हैं, और माँ अलग रखती है, और पिताजी अलग रखती है। जो कोई बड़ा बूढ़ा हो अपना बैठा बैठा चारपाई में बैठा बैठा देखता रहता है, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो प्लीज देखिए, उनको भी देखिए जिसने दिन रात मेहनत करके अपने बेटा बेटियों को पढ़ाने के लिए रात भर जग जग करके वो मेहनत की है, जो कि कोई कर नहीं सकता। कोई ड्राइवर है, कोई ड्यूटी करता है, कोई कुछ करता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े और कुछ कामयाबी की सीढ़ी पर जाएं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इधर उधर कुछ खाते पीते हैं, कोई किसी को फ्रेंड बना लेता है। देखो, ये उम्र तुम्हारी फ्रेंड की नहीं है। जब तुम्हारी फ्रेंड की उम्र आएगी तो माता पिता खुद ही सोच लेते हैं और वह शादी कर देते हैं, वह तुम्हें देखते रहते हैं। अगर बच्चा ढंग से रह रहा है, अच्छे से रह रहा है, इज्जत कर रहा है, तो उन बच्चे के अपने आप दिखाई दे जाते हैं दूर से, तो वह उसे खूब पढ़ाते हैं। जब तुम पढ़ोगे नहीं तो माँ बाप शादी का कदम उठा देते हैं। तो इसलिए मैं सभी बेटा बेटियों के लिए ये निवेदन करती हूँ एक, कि प्लीज फोन पे इतना ध्यान मत दिया करो जितना बड़े बूढ़ों की सेवा में माँ बाप की तरफ देखो और उनकी बातें सुनो। बहन भाई भी आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करो, और माँ बाप की भी कुछ, और दादा दादी हों जो घर में तो उनकी भी बड़ी सेवा करो, क्योंकि हमें जाने के बाद एक एक हिसाब देना पड़ेगा हर कदम कदम का। कोई झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलते हैं तो भगवान को इससे बड़ा ही दुख होता है। तो इसलिए ना भगवान कभी झूठ बोलते हैं, तो हम जो झूठ बोल देते हैं उनका भी हमें पश्चाताप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, हम आगे जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे और हम अच्छे से रहेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। और फोन पर इतना प्लीज, कोई भी जब भी फोन किसी का आए तभी उठाना, नहीं तो फोन बिल्कुल मत ध्यान दो फोन की बातों में। और मैं हर माँ बाप से भी कह रही हूँ कि पहले ही जो 12वीं में भी नहीं आते हैं बच्चे और फोन लेके उनको दे देते हैं, तो उन माँ बाप से मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चों को फोन से दूरियां बनाए। और वह 1-2 दिन रूस भी जाएंगे तो तुम्हारा क्या लेंगे, अपने आप ही मन जाएंगे, क्योंकि वह तो बच्चे हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो किसी भी बच्चे को, बेटा बेटी को फोन लेके ना दे प्लीज। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करना, और मेरी बहन बेटियां जो भी सुन रही हैं तो इस बात पर जरूर ध्यान देना कि हमें अपनी यह जिंदगी जो मौका मिला है इसको ऐसे नहीं गवाना, हमने कुछ कर दिखाना है, करके दिखाना है। और हमने पिताजी की पहचान पे नहीं, हमने अपनी पहचान बनानी है। जैसे पिताजी तुम्हारे किसी भी कोने में बैठे हों तो लोग तुम्हारे नाम लेकर पुकारे कि ये उसके पिताजी हैं। तो बेटा, तुम में वो शक्ति है, वो ताकत है कि तुम हर मंजिल तक जा सकते हो। तो इसलिए आप अच्छे काम करिए और फोन से दूरियां बनाइए, और बस माँ बाप पर अपना ध्यान दे, सेवा पे। आज तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि माँ बाप तुम्हें कुछ बता रहे हैं तो हम उनकी बातें अच्छे से सुन लें, क्योंकि हर माँ बाप सोने से पहले हर माँ अपनी बेटा बेटी को ये शिक्षा देना चाहती है। हर सभी की माँ सोच भी लेना बताती होंगी। आप अपने से ही अंदाजा लगा लेना कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, कि बेटा अच्छे रास्ते पर चलना। बस अच्छा रास्ता ही हमारी जिंदगी का एक सफर है, और किसी के भी भकाए में या कोई दिखावटा एटीट्यूड, इन सभी से दूरियां बनानी है। सादा जीवन सादगी के साथ रहना है, और कोई भी अपना दुश्मन ना बनाए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। अपने मन में हमें ये बात निकाल देनी चाहिए कि हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, सभी हमारे अपने हैं। और जाति पाति का ये भेद बिल्कुल दिल से मिटा दो, कोई ऊंच नीच नहीं होती है। तो
तो बस मैं यही कहना चाहती थी हर बेटा बेटी को कि देखो कई दिन हो गए मैंने ये वीडियो डाली, और मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो हम देखते हैं, देखो बेटा तुम अभी से ऐसे काम मत करो, अपने घर से खाना लेके जाओ, घर में ही खाओ आके, जो कुछ लेना तो माँ बाप को बताओ। और फोन, कुछ लड़कियाँ फोन करती हुई मैंने देखे, मेरी जैसे एक आवाज़ सी दब जाती है कि मैं किसी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहती, क्योंकि वह मेरी ही बेटियां हैं। तो आप ऐसे करो, देखो मैं सबकी बेटियों को अपनी बेटी मानती हूँ, तो बेटियां फोन लेके बस किसी की बातों में मत आना, फोन वोन के चक्कर बिल्कुल छोड़ दो, कोई भी तुम्हें कोई लालच देता है तो किसी के लालच में नहीं आना है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप में वो ताकत है जो तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, बाहर वाला कोई तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है ऊपर जाने का, मैं पढ़ाने के लिए बच्चों को जा रही हूँ क्योंकि लेट हो रही हूँ। तो बस इस बात पर थोड़ा कमेंट में जरूर लिखना बेटा कि इस बात कहे अनुसार चलना। तो जय श्री राम।